नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एड्स के बारे में। जब भी बात एड्स की आती है तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो एड्स बीमारी है ये छुआछूत की बीमारी है। अगर कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि लोग अगर किसी को एड्स होता है तो उसके आसपास बैठना, साथ खाना भी, ये जो खाने में भी डरते हैं। आज हम इसी पर खास बातचीत करेंगे और डॉक्टर साहब से जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच में ये एड्स छुआछूत की बीमारी है, क्या अगर साथ में बैठ के और खाने से क्या ये एक दूसरे में संक्रमित हो सकता है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। दर्शकों, को आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी फिजिशियन है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका मुस्कान जी। सर, हम जानते हैं कि आपने बहुत सारे एचआईवी के पेशेंट को आप देखते भी हैं और आपने देखा भी है। मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि आज हम जब भी देखते हैं कि एचआईवी का या फिर एड्स का कोई पेशेंट होता है तो लोग उसके आसपास आने में या साथ खाने में भी डरते हैं, तो क्या ये सच में एक दूसरे से खाने पीने या साथ बैठने से भी ट्रांसमिट होता है? नहीं, एच आई वी एड्स का रोग जो है वो कभी भी साथ बैठने, उठने बैठने से, सोशल मीटिंग में जाने से, आने से कतई नहीं फैलता है। ये मात्र 3 से 4 कारण हैं जिसके द्वारा ये फैल सकता है एक से दूसरे में। ये पहला है कि असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ हो जाता है तो उससे होने की संभावनाएं होती हैं। यदि किसी संक्रमित व्यक्ति से नीडल, सिरिन, सुई गड़े हुए दूसरे को अगर चुपता है या टैटू करा रहे हैं जो संक्रमित व्यक्ति, और स्टरलाइज नीडल सिरिंज नहीं है और दूसरे को उससे टैटू हो गया, तो उससे होने की संभावनाएं होती हैं। तीसरी है कि यदि संक्रमित ब्लड किसी को चढ़ गया तो उससे होने की संभावनाएं होती हैं। और चौथी है कि अगर माँ गर्भवती है और उनका एचआईवी का टेस्ट नहीं हुआ, एचआईवी से संक्रमित है, दवाइयाँ नहीं ले रही हैं, तो माँ से बच्चे में होने की संभावना होती है। साथ उठने से, साथ बैठने से, साथ खेलने से, साथ नहाने से, स्विमिंग पूल का सेवन करने से, एक व्यक्ति को जो संक्रमित है उसे मच्छर काट लिया और दूसरे को फिर स्वस्थ व्यक्ति को अगर वही मच्छर काट लेता है तो उससे भी एचआईवी होने की संभावनाएं नहीं होती हैं। हाँ, दूसरी बीमारियां मच्छर काटने से हो सकती हैं, जैसे डेंगू किसी को है तो डेंगू का मच्छर, अगर डेंगू किसी व्यक्ति को है जो सफ़र कर रहा है डेंगू से, उसे काट लिया और फिर दूसरे को काट लिया तो उसे डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, लेकिन एचआईवी नहीं हो सकता है। तो एचआईवी साथ उठने बैठने खाने पीने से नहीं होता है, और एचआईवी के रोगियों में कोई कार्य क्षमता में कोई कमी भी नहीं आती है यदि वो दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो। अनडिटेक्टेबल इज अनट्रांसमिसिबल, जब उनकी वायरल लोड 0 पर आ जाती है, टारगेट नॉट डिटेक्टेड, मतलब कि वायरल लोड पकड़ में नहीं आ रही है मशीन के, तो ऐसी अवस्था में वो अनट्रांसमिसिबल भी होता है, उससे वायरस फैल भी नहीं सकता किसी और को। और आज के दिन में 20 साल का कोई नौजवान एचआईवी से संक्रमित हो जाता है तो मैथमेटिकल मॉडलिंग और इतनी अच्छी तरह की इंटरवेंशन और दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो वो व्यक्ति 50 साल और 70 से 75 वर्ष तक करीब करीब सामान्य व्यक्ति के जैसा जीवन यापन कर सकता है, उसके जीवन के लाइफ एक्सपेक्टेंसी में या फिर उसके कार्य क्षमता में कोई कमी नहीं आती है। तो इसलिए ये मिथ्या है कि साथ उठने बैठने से किसी और को एचआईवी फैल जाएगा। और साथ ही अगर हम एचआईवी की बात करें तो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं, एक मैंने देखा है केस कि एक माँ को एचआईवी वो पॉजिटिव है लेकिन वहीं उसके बच्चा जो है उसको वो नेगेटिव है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? जी, यदि माँ को एचआईवी संक्रमण है तो माँ की टेस्ट होती है। आज के दिन में गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है कि हर एक गर्भवती महिला की एचआईवी की टेस्ट हो जाए। अगर वो समय रहते एचआईवी पकड़ में आ जाता है, दवाइयों का सेवन शुरू हो जाता है, माँ के वायरस की संख्या अनडिटेक्टेबल हो जाती है, तो माँ से बच्चे में ट्रांसमिशन को रोका जा सकता है। आज विदेशों में जहाँ भी पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज डिलीवरी हो रही है, वहाँ एक भी नया बच्चा एचआईवी से संक्रमित नहीं पैदा ले रहा है। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि सारी गर्भवती महिलाओं को अपना एचआईवी टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर एचआईवी है तो उनकी चिकित्सीय देखरेख में दवाइयाँ शुरू कर देनी चाहिए जिससे कि वायरल लोड सप्रेस्ड हो जाए और बच्चा सुरक्षित रहे, बच्चे को एचआईवी नहीं हो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की आप भी समझ पाए होंगे कि जो एड्स है ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, तो अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट दिखता है तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, उसके साथ आप बैठ सकते हैं, उसके साथ आप खा सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा भी होता है कि कई बार माँ को होता है लेकिन बच्चों को नहीं होता है, तो ऐसे में डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी हेल्प करने की ज़रूरत है और इसे साथ देने की ज़रूरत है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में
में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।